हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे आकर्षण के वो नियम जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। यदि आप अपनी लाइफ में अधिक धन, सफलता, समृद्धि और मनचाही चीज़ें पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, हर छोटी से छोटी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानें और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो आपकी लाइफ में हर चीज़ वैल्यूबल होगी और आपका हर वो सपना पूरा होगा जो अभी तक आप देखते आए हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वो चुंबकीय शक्ति है जो इंसान के थॉट्स और इमोशंस मिक्स होकर निकलती है। आपके हर एक विचार से एनर्जी निकलती है जो यूनिवर्स में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने रियलिटी बनकर आ जाता है। आकर्षण का नियम हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का कलेक्शन है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका एक एक विचार उनका भविष्य बना रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो इसमें जितना विश्वास रखता है ये उसके लिए उतना ज़्यादा काम करता है। यदि आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आए हैं। फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले 1877 में राइटर हेलेना ब्लavatsky द्वारा एक बुक में किया गया था। हालांकि कई मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि ये दुनिया के शुरू होने के साथ ही अस्तित्व में आया, और ये बात सच भी है। यदि आप अपने जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपने भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। डिफरेंस बस इतना था कि आपको ये पता नहीं था। ये नेचर का एक नियम है, इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी सही होने पर साफ आवाज आती है, इसी तरह यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रिक्वेंसी मिल गई तो हमारा वो विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए ये फ्रिक्वेंसी मैच करने के लिए आपको इन विचारों को दोहराते रहना चाहिए और उन्हें महसूस करते रहना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले आपको उन इच्छाओं को मांगना होता है जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। बस आपको इस बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ब्रह्मांड से क्या मांगना है। बहुत से लोग इस बात को लेकर क्लियर नहीं होते कि उन्हें यूनिवर्स से मांगना क्या है। क्लैरिटी होने से ही यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करेगा। दूसरे स्टेप में विश्वास करें कि आपने जो भी डिज़ायर की है वो पूरी होकर ही रहेगी। आप अपने लक्ष्य को एक कागज़ में लिख सकते हैं। लिखे हुए शब्दों में जान होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मगेल मैथ्यू द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को कागज़ पर लिखा वो दूसरे लोगों से 33% ज़्यादा सफल थे। आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। यदि पॉसिबल हो तो उस कागज़ को हमेशा अपने पास रखें और हर दिन इसे ज़रूर पढ़ें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते रहें कि उसे क्या करना है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से आपके दिमाग में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना तेज़ी से आपके लिए काम करेगा। बस अब आखिरी स्टेप में आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जिस तरह एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बच्चा अगली बार 2 गुनी खुशी से दूसरे काम को करता है। नेचर भी ठीक इसी तरह से काम करती है। ब्रह्मांड का भी ये नियम है। आप जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा कृतज्ञ रहेंगे वो आपको उतना ज़्यादा ही देता जाएगा। तो आप हर रोज़ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास हैं। ऐसा करके आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। यदि आप अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे तो जाने अनजाने आप उन कमियों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अपने डिज़ायर को लेकर थैंकफुल रहिए कि वो पूरी हो चुकी है। उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू कीजिए और फिर अपने काम में लग जाइए। ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चीज़ आपके सामने लाते जाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। नंबर 1, अपनी उम्मीद से बड़े लक्ष्य बनाइए। यदि आप अपनी शक्तियों को पहचानना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए। नंबर 2, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है, इसलिए हर रोज़ एक नया कदम उठाएं। हर रोज़ अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक नया बदलाव लाएँ। नंबर 3, अपने मन से नकारात्मक विचार, डर, कमजोरी को बाहर निकाल दें। आपके लक्ष्य में ऐसे ही विचार अक्सर रुकावट बनते हैं, इसके बदले सकारात्मक विचारों का प्रयोग करें।
नंबर 4, ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जिनके सपने बड़े हों और वो आपको प्रोत्साहित करते रहें। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखें कि जिन भी लोगों ने जीवन में कोई गलती नहीं की, उन्होंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।